हेलो सेवन क्लास स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अवर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम एंड यू ऑल आर डूइंग योर वर्क एंड स्टडी प्रॉपरली एंड रेगुलरली। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस हियर इन क्लास सेवन सब्जेक्ट जीके चैप्टर नंबर 16 एंड टॉपिक माइटी माउंटेन्स। व्हाट इज द माइटी माउंटेन्स? माइटी हु हैव अ पावरफुल, दैट्स मीन अ सर्वशक्तिमान, that's called mighty yani shaktiman uchi, and mountains that's mean a parvat, okay, that's called a mighty mountains, shaktiman parvat। let's discuss this chapter here, okay। who have a book please open page number 23, otherwise you can see my left hand side on board book, okay, and identify let's start this chapter। Identify these famous mountains, ranges, and write their names in the blanks. Choose your answer from the help box. Dear student, here are the some mountain ranges and identify. Here are the clue about to the mountains and with the help of the clue, find out the what's the name of these mountains. Okay, I will show you a picture of mountain in board here. Okay, I will show you a picture on board and also a map, where is they separated on the map, so we can discuss both things here, okay। The first one, Andes, okay। The Andes mountain system runs from the northern tip of South America to the southern. It is the largest mountain range in the world, 8900 kilometers। You can see here you can see the other here, how to separate the Andes, okay, mountains in the map, you can see here, and next one you can see the Andes, this pervert, this mountain, okay, you can see the picture, this mountain system runs from the northern tip of South America। ये जो पहाड़ है वो कहां से फैला हुआ है? नॉर्थ से। ये मैप पे देख रहे हैं आप कि नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थन टिप ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये फैला हुआ है ये पहाड़, ठीक है, and it is the longest mountain range। और दूसरा, ये जो पहाड़ है वो कहां पर फैला हुआ है? अमेरिका इन साउथर्न, कहां पे? इट्स सेपरेट इन साउथ साउथर्न। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से ये पहाड़ आता है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? 8900 किलोमीटर। कितनी है? 8900 किलोमीटर इसकी रेंज है। जो ये माउंटेन्स आपको यहां पे दिख रहा है, इसकी जो रेंज है 8900 किलोमीटर, ओके, नॉट अ मीटर, किलोमीटर है, इसकी लंबाई में है ये, इसका फैलाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर है, नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे हैं कौन सी है? द हिमालयस, ये हमारे इंडिया में, तो हिमालयस यहां पे, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट बिलोंग इन द हिमालयस, ठीक है, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचाई में जो माउंटेन पीक है, ऊंचाई जिसकी, अब जो हम लंबाई की बात कर रहे थे, वो किसकी बात कर रहे थे? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, जो साउथ साउथर्न में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, तो वो कितनी है? उसकी लंबाई की बात हो रही थी, अब हम हाइट की बात करेंगे, अब हम क्या करेंगे? बात करेंगे हाइट की। द वर्ल्ड हाइस्ट पीक, पीक मीन्स अ चोटी, ठीक है, द वर्ल्ड हाइस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट बिलोंग टू द हिमालयस, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, यू नो द कौन से? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो किस में पड़ती है? किस पर्वत श्रृंखला में पड़ती है? हिमालय में, ठीक है, वो किस में पड़ती है? हिमालय में, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो किस में आती है? हिमालय में आती है, ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। रिवर गंगा हैज ऑरिजिन इन द माउंटेन सिस्टम टू, और इसी जो ये यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये माउंटेन्स, ये हिमालय जो आपको दिख रहा है, हिमालय माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, यहीं पर एवरेस्ट चोटी है, और यहीं पर आपको क्या भी मिलने वाला है कि यहीं से ऑरिजिन, मतलब उद्गम, जो गौमुख है, ठीक है, जो गौमुख ग्लेशियर है, जो गौमुख है, जहां से गंगा का उद्गम होता है, ऑरिजिन मतलब निर्माण होना, यानी उगना, यानी निकलना, यहां से, इसी भाग से, यहां पर जो आप देख रहे हैं, इसी भाग से क्या निकलती है? जो गंगा है वो निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थ्री, लेट्स डिस्कस नंबर थ्री, ठीक है। सेपरेट अलोंग द नॉर्थ साइड ऑफ यूएसए, कहां पर फैला हुआ है? अब यहां पे जो नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं कि जो यहां पे क्या है, सेपरेट अलोंग द नॉर्थ साइड ऑफ यूएसए,
कहां पर फैला हुआ है, नॉर्थ साइड, जो यूएसए है उसके नॉर्थ साइड में ये वाला पर्वत फैला हुआ है, इसका नाम है रॉकीज। क्या है इसका नाम, जो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं ये रॉकीज, ठीक है, माउंटेन्स है, ठीक है, साइड ऑफ यूएसए। और कहां पर फैला हुआ है, यूएसए में, द स्ट्रेच बिटवीन कैनेडा एंड यूएसए, और जो ये बीच में है यानी मिडिल में सेंटर में है किसके, कैनेडा और यूएसए के। तो जो ये माउंटेन्स रेंज है यहाँ पर, ये कहां पर आपको नजर आती है, ठीक है, यूएसए में, और ये कैनेडा और किसके, यूएसए के बीच में है, जिसका नाम है रॉकीज। तो क्या है इस माउंटेन रेंज का नाम, जो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, रॉकीज है। नंबर फोर, ठीक है, अल्पस, ठीक है, क्या है अल्पस कहा जाता है, पासिंग थ्रू 11 यूरोपियन कंट्रीज, द अल्पस आर द मोस्ट फेमस माउंटेन सिस्टम ऑफ यूरोप। तो पासिंग थ्रू, जो ये अल्पस जो माउंटेन है आप यहां पर देख रहे हैं, कितने उससे होके पासिंग थ्रू द 11 यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, 11 जो यूरोप की कंट्रीज है उनसे होकर ये गुजरता है अल्पस जो पहाड़ है, ये जैसे हमारे हिमालय तो नेपाल में भी पड़ता है, हमारे यहां भी पड़ता है, ऐसे ही ये अल्पस जो माउंटेन है ये यूरोप की 11 कंट्रीज के पर फैला हुआ है, आर द मोस्ट फेमस माउंटेन सिस्टम ऑफ यूरोप, और ये सबसे ज्यादा फेमस माउंटेन यूरोप में है, ठीक है, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उनमें सबसे फेमस कौन सा है, अल्पस है। नाउ कम ऑन टू द फाइव, ठीक है, नंबर फाइव, द एटलस, ठीक है, क्या है एटलस, ठीक है, एटलस, द एटलस आर द सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज, सीरीज यानी श्रृंखलाएं है, सीरीज यानी श्रृंखलाएं है, ठीक है, तो ये माउंटेन सीरीज है, सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज रनिंग अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो कहां पर फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, जो अफ्रीका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो आप मैप में देखेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है अफ्रीका का वहां पर ये फैला हुआ है, ठीक है जी, यहां पर मैप आप पिक्चर देख रहे हैं और मैप देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये यहां पर क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द बैकबोन ऑफ मोरक्को, अल्जीरिया, अल्जीरिया एंड, ठीक है, टूनिसिया, तो ये बैकबोन है, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, यानी मेन भाग, मेन है ये, ठीक है, बैकबोन ऑफ, ठीक है, मोरक्को, मोरक्को का, अल्जीरिया का, और ठीक है टूनिसिया, टूनिसिया का क्या है ये इंपॉर्टेंट बैकबोन है, एक इंपॉर्टेंट क्या है माउंटेन है, ये तीनों इन कंट्रीज में कौन कौन सी हो गए, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, और ठीक है टूनिसिया। नंबर सिक्स, ठीक है, द ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स, कौन सा, अब यहां पर जो आप देख रहे हैं पिक्चर वो किसका है, द ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन का, ओके बेटा, किसका है, यहां पर आपको दिख रहा है ग्रीन बोर्ड में, क्या है ये, द ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन सिस्टम डिवाइड्स अंटार्कटिका इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजंस, ठीक है, और जो ये ट्रांस अंटार्कटिका जो आपको दिख रहा है माउंटेन्स जो है ये क्या है, अंटार्कटिका इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन, ये अंटार्कटिका का जो अंटार्कटिका है उसको दो भागों में बांटता है, किसमें, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजंस, ठीक है, ईस्टर्न पूर्वी और वेस्टर्न पश्चिमी, तो पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिका में ये क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, इट स्ट्रेचेस ओवर 3200 किलोमीटर, और ये जो फैला हुआ है कितना फैला हुआ है, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर ये फैला हुआ है, कौन, ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिका, ठीक है, और ये ही उसको नॉर्थ और ईस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में, सॉरी ईस्ट और वेस्ट में क्या करता है, ये उनको डिवाइड करता है, ठीक है, जो कितना फैला 300-200 किलोमीटर एंड राइज अप टू 4528 मीटर, तो ये तो किलोमीटर में थी, अब इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 4528 मीटर, यानी ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, आपको बताया ना, ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, तो जब 1000 मीटर होगा तब ये 1 किलोमीटर होगा, तो ये ऑलरेडी किलोमीटर में है, ठीक है, तो ऐसा है। नंबर सेवन, ठीक है, मिड अटलांटिका रेंज, कौन सी, मिड अटलांटिका रेंज, ये नंबर सेवन है, द मिड अटलांटिका रेंज इज द मोस्टली अंडर वाटर माउंटेन्स, अंडर वाटर, ये क्या है, मोस्टली क्या है, अंडर वाटर है, यानी पानी से इसका जो समुद्र तल है कुछ भाग इसका समुद्र में भी है, ठीक है, रेंज इन अटलांटिका ओशन, कहां पर, जो हमारा अटलांटिका ओशन है उसमें इसका कुछ भाग है, इट राइज टू हाइट ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द ओशन, ठीक है, ये उठा हुआ है, कितना उठा हुआ है, 3 किलोमीटर फ्रॉम द ओशन, ये ओशन से 3 किलोमीटर उठा हुआ है, एंड इट इज अ 16
1000 किलोमीटर लॉन्ग, बल्कि इसकी जो लंबाई वो कितना है 16000 किलोमीटर। इसकी क्या है लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है 16000 किलोमीटर, यानी इसकी लेंथ है, ये लंबाई हो गई इसकी, ठीक है, लेंथ इसकी कितनी है 16000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओनली 3 किलोमीटर वो कह रहे हैं अंडर वाटर रेंज है, अंडर इट इज एट द हाइट ऑफ 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर ये क्या है समुद्र से उठा हुआ है। तो ये अब ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, तो ये अंदर ठीक है 3 किलोमीटर तो उठा हुआ है, और भी बाकी कहां पर है ये उसमें है समुद्र में, अंटार्कटिका जो हमारा अटलांटिक का जो ओशियन है उसमें है, ठीक है, और 16000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके बेटा, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। I will provide a PDF related to this chapter in your class group. Thank you.